हाय फ्रेंड, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। सो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपके चैनल पर 1K सब्सक्राइबर और 4000 हाउस का वॉच टाइम कंप्लीट हो गया है तो आप अपना चैनल कैसे मोनेटाइजेशन के लिए भेज सकते हैं या बोले रिव्यू में कैसे भेज सकते हैं। दोस्तों, अपने चैनल को मोनेटाइजेशन से पहले भेजने से पहले आपको पांच ऐसी टिप्स हैं जिनके बारे में जान लेना चाहिए, वरना आपका मोनेटाइजेशन चैनल कभी नहीं होगा या मोनेटाइजेशन होने के बाद भी चैनल का मोनेटाइजेशन डिसेबल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है और इसमें आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाली है। दोस्तों, मैं आपके साथ आपको लाइव प्रूफ के साथ दिखाऊंगा कि वो कौन कौन सी टिप्स हैं जिनको जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया है तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन दबा के ऑल पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको ऐसी वीडियो आगे मिलती रहे। तो दोस्तों, अभी आप इधर साइड स्क्रीन देख पाएंगे, मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ। दोस्तों, मैंने अपने फ़ोन की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर ली है। अभी मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजेंगे। दोस्तों, मोनेटाइजेशन चैनल भेजने के लिए आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें लोग बताते हैं कि आप अपने चैनल को डेस्कटॉप या पीसी से अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेज सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास पीसी या लैपटॉप कुछ भी नहीं है, फिर भी आप अपने स्मार्टफोन से ही अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेज सकते हैं। और इस बात का लाइव प्रूफ मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग अभी ऑन हो चुकी है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन होने के बाद आपको क्या करना है, अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाना है। गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद दोस्तों, यहां से आपको अपना वाइटी स्टूडियो डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लेना है। तो दोस्तों, मैं यहाँ अपना वाइटी स्टूडियो डेस्कटॉप मोड में ओपन कर लेता हूँ। आपको जिस भी चैनल को आपको वहाँ मोनेटाइजेशन के लिए भेजना है, आपको उसी चैनल को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों, आपको क्या करना है, ऊपर थ्री डॉट दिखेगा। थ्री डॉट में जाके आपको डेस्कटॉप साइट को इनेबल कर लेना है। अब डेस्कटॉप साइट को जैसे ही आप इनेबल करते हैं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है, जैसे आप अपने चैनल को पीसी या लैपटॉप में ओपन करते हैं, इसी टाइप का चैनल आपके फ़ोन में ओपन हो जाता है। अब फ़ोन में ओपन होने के बाद आपको क्या करना है, अपने चैनल के लोगो पर क्लिक करना है। दोस्तों, मैं अपने चैनल के लोगो में क्लिक कर दिया। अब यहाँ लिखा है योर चैनल, योर चैनल में जाना है। दोस्तों, योर चैनल में आने के बाद आपको यहाँ आपको कस्टम चैनल पर क्लिक कर लेना है। कस्टम चैनल पर जैसे ही आप क्लिक कर लेते हैं तो दोस्तों, आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। जब आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले दोस्तों आपको अपने चैनल पर चेक कर लेना है कि आपके चैनल पर कोई कॉपीराइट स्ट्राइक या कॉपीराइट क्लेम नहीं है। तो दोस्तों, उसको चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको अपने जो सी वाला ऑप्शन है इस पर जाना है। इस ऑप्शन पर जाने के बाद दोस्तों, कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ कोई कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं है अभी तक इस चैनल पर, हम इस चैनल को आगे मोनेटाइजेशन के लिए भेज सकते हैं। तो मोनेटाइजेशन से भेजने से पहले दोस्तों, एक बार और आपको चेक कर लेना है। आपको और क्या चेक करना है, अपने कंटेंट में जाना है। कंटेंट में जाने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ जितनी भी वीडियो आपने पब्लिश करी हैं वो सारी वीडियो शो हो रही होंगी। तो दोस्तों, यहाँ आपको देख लेना है किसी वीडियो पर कॉपीराइट क्लेम तो नहीं है। तो दोस्तों, आपके किसी भी वीडियो में कॉपीराइट क्लेम नहीं है तो अब दोस्तों, आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेज सकते हैं। तो मोनेटाइजेशन को भेजने के लिए दोस्तों, आपको क्या करना है, आपको डॉलर वाले सेक्शन में जाना है।
जहाँ एस बना है, मैं डॉलर वाले सेक्शन पे जाता हूँ। अब डॉलर वाले सेक्शन पे जाने के बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस तरह का इंटरफेस दोस्तों मैंने इस चैनल को पहले मोनेटाइजेशन के लिए भेजा था दोस्तों। इस पर क्या हुआ कि एक वीडियो किसी और कंटेंट से रिलेटेड था, जिसमें दोस्तों यहाँ देख सकते हैं रियूज कंटेंट लिखा हुआ आ गया। तो आने के बाद दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं कि मुझे दोबारा स्टार्ट अप्लाई का ऑप्शन, मुझे दोबारा मोनेटाइजेशन के लिए ऑप्शन मिल चुका है। मैं दोबारा अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेज सकता हूँ। दोस्तों आप यहाँ सब्सक्राइबर की बात करें तो सब्सक्राइबर दोस्तों 3226 सब्सक्राइबर यहाँ अभी हो चुके हैं, और वॉच टाइम की बात करें तो दोस्तों 21,614 घंटे अभी तक मेरे चैनल का वॉच टाइम हो चुका है। तो दोस्तों मैं अभी दोबारा अप्लाई कर सकता हूँ, लेकिन दोस्तों अप्लाई मैं दोबारा अप्लाई कर सकता हूँ। अप्लाई करने से पहले मैंने जो मेरे साथ हुआ मैं चाहता हूँ आपके साथ ना हो, इसलिए दोस्तों इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इन सब बातों का दोस्तों मोनेटाइजेशन करवाते समय ध्यान रखते हैं तो दोस्तों आपका 101% चैनल मोनेटाइजेशन हो जाएगा। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को एक लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।